क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के काम पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले एक युवक की बेटे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि घर से 10 कदम दूर एक गड्ढे में पूरे गाँव का पानी जमा होता है, जिसमें गिरकर बच्चे की मौत हो गई, जिसकी सूचना तत्काल सौर बाजार थाना और सौर बाजार अंचलाधिकारी को दी गई। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सहरसा भेजा। से हुआ जो गांव का पानी नहर का खड्डा है उसमें पानी जाता है। अच्छा। उसके बाद बच्चा को खोजने लगा, बच्चा आज नहीं मिला तो कोई जलानी वहां गया तो देखे। अच्छा। बच्चा का कपड़ा, तब हम लोग जाकर के निकाले। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा गड्ढा में डूब गया। गड्ढा में डूब गया। कितने साल का बच्चा होगा? 15-16 महीना का है। अच्छा, उसका नाम क्या था? शिवम कुमार। अच्छा, इसकी जानकारी आप थाना वाला को, सीओ वगैरह को दिए थे? सबको दिए सर। सब पहुँचे हुए? सब पहुँचे हुए, सब इंक्वायरी करके गया। अच्छा, इस घटना को लेकर के आप कुछ मांग भी करना चाहते हैं प्रशासन से या सरकार से? मांग तो जो घटना हुआ तो मांग तो करवे न करेंगे। खबर पटना से है, जहां कल एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव अच्युतानंद सिंह जी ने देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की पर अभद्र टिप्पणी किया था, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी अच्युतानंद सिंह की घोर निंदा करती है और साथ ही कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का कभी समर्थन नहीं करती और ना ही ऐसे मामलों से ताल्लुक रखती है। नवादा मुफसिल थाना के सूरज पेट्रोल पंप के पास ट्रक और डंपर की टक्कर हो गई और इस हादसे में एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। निकल नहीं पाए बस। अब कहां से आ रहे थे? कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? तो कौन है ये? हाँ? ये कौन है जो डेट किए? कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या है इनका? राजू कुमार। अच्छा। बिहार शरीफ मुख्यालय के बड़ी दरगाह पहाड़पुरा इलाके में हुई बम ब्लास्ट के बाद शहर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए। अर्धसैनिक बल और रेफ के जवान सड़कों पर मार्च कर असामाजिक तत्वों को चेतावनी दे रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने की अपील न की है, साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र इलाके के रजमा गांव के है, जहां पहले से ली आ रही जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही 5 बदमाशों ने घर पर चढ़कर जमकर गोलीबारी एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के संबंध में जख्मी के रिश्तेदार ने जानकारी दी और बताया कि सुबोध यादव अपने घर के बाहर थे, तभी बदमाशों ने गोली मार दी जिसमें सुबोध यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं आनन फानन में घायल को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सर हमारी कुल 2 भाई था, हाँ। बैठा एक ही हाँ। आज क्या किया उन लोग, क्या किया? वो बुलाया सर, बोला कि थारी मारूंगा मैं। अच्छा तो आया सर, और बाद लाठी पहना पहले मारा, उसके बाद घर गया हमारी को, हाँ। घर गया गोली मार दिया। किस किन को गोली मारा? भैया के अंदर मेरा। अच्छा सिबोध। अच्छा पहले से लड़ाई कुछ का है? सर चाचा पहले माथा में फाड़ा। अच्छा 15 दिन हो गया केस केला सर। हाँ पुलिस द्वारा क्या है? पुलिस द्वारा एक कोई सूचना नहीं गया। सूचना नहीं गया है? कोई सूचना नहीं, रोज फोन करता हूँ नहीं जाता, बोली रोज नितम दिन छोड़ रहा है। बिहार शरीफ मुख्यालय के राड़ा बेगा स्थित मुस्कान पैलेस में रविवार को वर्सेटाइल एजुकेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संचालक अंकित कुमार ने बताया कि वर्सेटाइल एजुकेशन का शुरुआत किया गया है। इस संस्था में पैसे की तंगी शिक्षा में पाने में बाधा नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा देना ही पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ पर 3री कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हर विषय के अलग अलग स्पेशलाइज्ड शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा और साथ ही हर विषय में साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन ने शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के मामले पर भाजपा कोरी राजनीति कर रही है, इनकी मंशा है कि शराबबंदी समाप्त हो और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस काम कर रही है कि किसी तरह से भी बिहार में शराबबंदी खत्म हो और शराब पीना चालू करा जाए। उनका कहीं से कहीं टाइप है ये नहीं पता मुझे क्या कारण है, लेकिन लगातार इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह से भी शराबबंदी खत्म हो जाए, ताकि महिलाओं को का जो उत्पीड़न पहले होता था बंद हो गया, दोबारा शुरू हो गया। जितनी महिलाएं थी उन्होंने एक स्वर से कहा था कि शराबबंदी हो ताकि हमारे घर आबाद हो, और लगातार आबाद होता जा रहा है। जितनी रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार जो जिन लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है उनकी आर्थिक स्थिति, उनके घर में बच्चों को पढ़ने की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, अपना खुद का स्थिति, सब स्थिति बदल गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। ईद के दिन बिहार थाना क्षेत्र के इलाके बड़ी दरगाह नया टोला में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था, जिसका इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं सोमवार को इस ब्लास्ट मामले में फरार चल रहे मोहम्मद जान को भी बड़ी दरगाह से बिहार थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि इस मामले में अभी सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने कुछ भी बताने से कोई परहेज किया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां आईजी विकास वैभव एक कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान एलएस कॉलेज के सभागार में मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव के अध्यक्षता में सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन के दौरान आईजी विकास वैभव ने कहा कि बिहार में रोजगार होगा तो फिर बिहार के लोग दूसरे देशों में रोजगार के लिए नहीं जाएंगे। जिसमें हम लोग बिहार वासियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप मिलकर कुछ योगदान करें बिहार के भविष्य के लिए, जिसकी मूल भावना यही है कि लोगों को मिलकर चलना होगा, प्राचीन बिहार से प्रेरणा लेना होगा जो ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। और भूमि के यदि गौरव की हम बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार यदि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता बन सका, जिसकी सीमाएँ आज के भारत से कहीं अधिक विस्तृत थीं, यदि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सका जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, कारण बड़ा स्पष्ट है, वेदांत की भूमि थी, इसकी सोच अलग थी। अलग अलग भेदभाव समाज में हमेशा रहे हैं, लेकिन बिहार की सोच इन भेदभावों से परे सोचने की रही थी। खबर मोतिहारी से, जहां एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम एनिमेंट फेस ऑफ चंपारण, यानी वैसे चेहरे जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जिन्होंने समाज को अपने सेवा भाव से एक अध्याय की परिगाथा लिखी है। कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को आज एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया और खास बात ये रही कि उनके जीवन में किए गए कार्यों को एक आकर्षक कैलेंडर में समायोजित कर उसका विमोचन किया गया। आज के कार्यक्रम के लिए परमादरणीय ब्रजकिशोर बाबू हैं यहाँ, इनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि इस अवस्था में भी अपनी व्यवस्था को बनाए रखे हैं। और डीके आज़ाद जी समय समय पे जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ और इनको तहे दिल से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए स्वागत करता हूँ कि चंपारण के वैसे लोग, दोनों चंपारण पश्चिमी पूर्वी, ऐसे लोग जिन्होंने अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि चंपारण के जो मशहूर लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको कोटिबद्ध तरीका से तैयार करके और सबको सम्मान करने का डी के आज़ाद जी ने ये कार्यक्रम किया है। काफ़ी शानदार और जानदार है और ऐसे अपने होने वाले पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी को कम से कम याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो समाज के मशहूर लोगों को, हर अपने क्षेत्र के मशहूर लोगों को सम्मान करने का काम ठीक है आज़ादी जैसे लोग करते हैं, वैसे आगे भी बढ़ के और लोग भी करने का चेष्टा करें। खबर गया से, जहां शहर के टिकारी रोड स्थित तैलिक भवन में तैलिक साहू समाज द्वारा दानवीर भामा शाहू की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान गया जिला तैलिक साहू सभा की जिला कमेटी का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें लगातार तीसरी बार संजू साहू जिला कमेटी के अध्यक्ष बने, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहना कर उन्हें बधाई दी। आज भामाशाह के जयंती के उपलक्ष्य पर समाज ने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष का मौका दिया है। मैं समाज को उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं पटना प्रदेश से आए हुए हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक, महिला कमेटी के लोग और पुरुष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तैलिक समाज के अमरेंद्र बाबू गार्जियन ने, जिला कमेटी ने मुझे जो मौका दिया है तीसरी बार गया जिला में अध्यक्ष के रूप में नए सत्र में, मैं सभी पदाधिकारियों का, गया जिला के तमाम समाज के लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत अंतर्गत ताड़वालिया दलित बस्ती में आग लगने से कई
घर जलकर खाक हो गए। वहीं सहायता के लिए गुहार लगा रहे दलितों के सहयोग के लिए जन सुराज महिला जिलाध्यक्ष सखटौरी पंचायत की मुखिया स्मिता चौरसिया पहुंच गरीबों के हालात को देखकर सभी अग्नि पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री वितरण किया। वहीं सपही पंचायत के मुखिया पति अखिलेश कुमार व उप मुखिया श्याम बाबू शर्मा ने भी अग्नि पीड़ित दलित परिवार को यथासंभव सहयोग दिया है। शोक संतप्त परिवार के साथ बहुत ही मतलब सहानुभूति है। मेरे तरफ से मैं नहीं कह सकती हूँ, ये हमारे जन सुराज परिवार के तरफ से मैं इन लोग पीड़ित परिवार के पास मैं आई हूँ। इस समय आई हूँ लेकिन मैं आ रही थी सुबह ही, लेकिन हमारे सीओ सर ने आश्वासन दिया कि इन लोग को त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पैसा यानी जो अपना राहत मुआवजा होता है 9800 वो दिया गया। और मुझे खुशी है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना मतलब कल 20/4/2023 को मोबाइल से मुझे सूचना मिली कि आपके पंचायत गांव टणवलिया मुसर टोली में आग लगी हुई है। मैंने तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया, सीओ साहब को फ़ोन किया और उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा और त्वरित अग्निशमन यंत्र आके और हमारे उप मुखिया जी हमारे हमको बताए यहाँ पे उपलब्ध रहे। तुरंत मैं पहुँचा यहाँ पे और गांव के नौजवानों ने भी अपना साहस दिखाया और जितना हो सका बाल्टी से मशीन से आग बुझाने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट दिन आज आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।